आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, प्रश्न है, आर्गन का उपयोग आर्क वेल्डिंग में किसके कारण किया जाता है? ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, देखिए हम लोगों के पास जो अक्रिय गैसें होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, है ना, ज़ेनॉन या रेडॉन, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ये सब हैं अक्रिय गैस। अब अक्रिय गैसों में क्या होती है? क्रियाशीलता शून्य के बराबर होती है। अक्रिय गैस है, ठीक है, जिसकी क्रियाशीलता शून्य के बराबर होती है, मतलब नहीं होती है, क्रियाशील नहीं होता है ये, है ना। अब इसी वजह से देखिए, हम लोगों को आर्क वेल्डिंग में क्या करना होता है, जब भी हम लोग आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं तो आर्क का निर्माण हो उसमें, अगर वो क्रियाशील हो जाएगा तो जो वायुमंडल में जो गैसें उपस्थित हैं उनसे क्रियाशील होकर, जैसे ही ताप मिलेगा क्रियाशील होकर वो क्रिया कुछ उत्पाद बना लेगा, जिससे कि आर्क का निर्माण ही नहीं हो पाएगा। तो आर्क के निर्माण के लिए क्या जरूरी है कि उस धातु की क्रियाशीलता को कम कर दिया जाए, है ना। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, आर्गन का उपयोग किया जाता है। तो अब मैं यहां पे लिखूंगा कि आर्क के निर्माण के लिए धातुओं की क्रियाशीलता को कम करने के लिए क्रियाशीलता को कम करने के लिए आर्गन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, किया जाता है, जिससे कि वो आर्क का निर्माण कर सके, ना कि क्रियाशील होकर कुछ उत्पाद बना ले। तो अब पहला विकल्प देखें तो बोल रहा है धातु की साथ निम्न क्रियाशीलता, बिल्कुल ठीक है। दूसरा बोल रहा है धातु के गलनांक को कम करने के लिए, ऐसा नहीं है, ज्वलनशीलता नहीं होता है इसके पास, उच्च उष्मीय मान नहीं होता है। तो अब क्या हुआ, पहला विकल्प हम लोगों को सही मिल रहा है, तो हम लोग यहां पर उत्तर लिख दें पहला विकल्प, ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।